दोस्तों आप सबका फिर से एक बार स्वागत है कॉन्टेट्रा और स्मार्ट के इस मुहिम में। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि फाइनेंस गुरुकुल की हमारी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी के तीन पड़ाव हैं। उन तीन पड़ावों के बारे में मैं इस वीडियो में आपको जानकारी दूंगा। देखिए, कोई भी कंपनी के ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत वहां से होती है जहां पर कंपनी प्रॉफिट करना शुरू करती है। अब कई कंपनियों को कई साल लग जाते हैं प्रॉफिटेबल होने में, लेकिन एक बार प्रॉफिट का फॉर्मूला मिल जाता है तो एंटरप्रेन्योर को लगता है यार अब तो हमारी नैया पार हो जाएगी। लेकिन कई बार हमने ऐसे उदाहरण देखे हैं कि कंपनी 400% सेल्स ग्रोथ दिखाती है, 200% प्रॉफिट ग्रोथ दिखाती है, 50% एसेट ग्रोथ दिखाती है, लेकिन पगार चुकाने को पैसा नहीं होता है। दोस्तों क्यों होता है ऐसा? कभी आप मंथन करें, कभी चिंतन करें, कभी मनन करें तो आपके जहन में ये बात जरूर आएगी कि प्रॉफिट कभी भी कैश फ्लो के समान नहीं होता है। प्रॉफिट इज नॉट ऑलवेज इक्वल टू कैश फ्लो। और एंटरप्रेन्योर की नैतिक जिम्मेवारियों में सबसे पहली जिम्मेवारी होती है प्रॉफिट कमाना, और साथ ही साथ में उसकी समान जिम्मेवारी होती है कैश फ्लो बनाना। यदि एक एंटरप्रेन्योर प्रॉफिट कमाने में सक्सेसफुल रहता है लेकिन कैश फ्लो जनरेट नहीं कर पाता है तो उसे एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर नहीं माना जाता है। तो दोस्तों पहले पड़ाव में हम तय करेंगे जर्नी प्रॉफिट से कैश फ्लो की। आपकी कंपनी प्रॉफिट तो कर ही रही है, अगर प्रॉफिट नहीं करती तो आप यहां तक पहुंच ही नहीं पाते, अच्छी बात है। अगर कभी कभार प्रॉफिट में डिप भी आ जाता है तो कभी ट्रेंड बनता है, कभी साइक्लिकल फ्लक्चुएशन होते हैं, कभी सीजनल वेरिएशंस होते हैं, कभी इररेगुलर वेरिएशंस आ जाते हैं, लेकिन उतार चढ़ाव तो बिजनेस का भी नियम है। तो प्रॉफिट से कैश फ्लो की जर्नी कैसे तय करें? इस पहले पड़ाव में हमें चार बातें समझनी होगी। कौन सी चार बातें? इन चार बातों के लिए आप मेरे साथ बने रहिए, मैं और डिटेल में जाऊंगा जब मैं पहले पड़ाव का डिटेल वीडियो आपको बताऊंगा। आगे चलते हैं दूसरे पड़ाव की ओर, जहां पर एक बार आपने प्रॉफिट से कैश फ्लो की यात्रा तय कर ली, उसके बाद हम आगे चलते हैं वैल्यू अनलॉकिंग की तरफ। जी हां, धंधे में कई ऐसी जगह होती है जहां पर वैल्यू जो है लॉक होकर पड़ी है, फंसी हुई पड़ी है, ताला लग गया है, चाबी नहीं मिल रही है। तो दूसरे पड़ाव में हम बिजनेस के उन एरियाज को विजिट करेंगे जहां पर कैश फ्लो से लेकर वैल्यू तक की जर्नी तय की जा सके। हमारे साथ जो चाबियों का गुच्छा लेकर हम चलेंगे वो हर उस तिजोरी में लगाएंगे जहां से वैल्यू को अनलॉक किया जा सके। फिर चाहे वो कस्टमर साइड हो, चाहे वो सप्लायर साइड हो, चाहे वो प्रोडक्शन साइड हो, चाहे वो प्राइसिंग की साइड हो, चाहे वो एम्प्लॉई की साइड हो, चाहे वो इन्वेंट्री की साइड हो, चाहे वो कलेक्शन की साइड हो, चाहे वो ज्योग्राफी की साइड हो, चाहे वो इंटरनेशनल बिजनेस की साइड हो, या चाहे वो बैंकिंग की साइड हो, हम हर एक एरिया को टटोल कर देखेंगे कि वैल्यू कहां से अनलॉक हो सकती है। तीसरे पड़ाव में जब हम जाएंगे दोस्तों, लेकिन तीसरे पड़ाव में जाने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि दूसरे पड़ाव में भी चार पार्ट्स हैं, और उन चार पार्ट की डिटेल के लिए मैंने एक अलग वीडियो बनाया है, वो आप जरूर देखिए। उसमें आपको दूसरे पड़ाव की चारों पार्ट की डिटेल में जानकारी दी गई है। जैसे ही आप कैश फ्लो से लेकर वैल्यू की यात्रा तय कर लेते हैं तो आप आ जाते हैं तीसरे और आखिरी पड़ाव में। जैसे महाभारत के युद्ध के बाद कई वर्षों तक राज करने के बाद
पांडव जब परीक्षित को राजा बनाकर हिमालय की ओर चल पड़े थे तो उन्हें अपना राज्य, उन्हें अपने लोग पीछे छोड़कर आगे बढ़ना पड़ा था। ठीक उसी प्रकार तीसरे पड़ाव में आप अपनी टीम को पीछे छोड़कर अकेले या अपने पार्टनर्स के साथ आगे बढ़ेंगे, क्योंकि तीसरे पड़ाव में हम बात करेंगे आगे की यात्रा की, जिसमें जर्नी तय होगी वैल्यू से वैल्यूएशन तक की। तो वैल्यू से वैल्यूएशन तक की जर्नी जो है वो इंडिया के 85% एसएमई बिजनेस ओनर्स में से गिने चुने एंटरप्रेनर्स ही आज तक तय कर पाए हैं। ऐसे बहुत कम एंटरप्रेनर्स हैं जिन्होंने अपनी कंपनियों को स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट कराकर उनकी वैल्यू का जबरदस्त अनलॉकिंग किया है और उन्होंने वैल्यूएशन के पड़ाव को भी पार कर लिया है। जी हाँ, ये वो एंटरप्रेनर हैं जिन्हें भारत सरकार द्वारा छापी हुई करेंसी की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि ये अपनी करेंसी खुद छापते हैं। इन्होंने अपनी कंपनी के शेयर्स को ही अपनी करेंसी बना ली है और आज कस्टमरों की लॉयल्टी जीतने के लिए, एम्प्लॉयज के साथ कमिटमेंट रखने के लिए, सप्लायर से मशीनरी खरीदने तक के लिए वो अपने शेयर्स का इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो अल्टीमेट वैल्यूएशन का लेवल है, वहां तक जो इतनी लाखों करोड़ों कंपनियों में से केवल 9000 कंपनियां वहां तक पहुंची है, वहां तक का सफर हम आपके साथ तय करेंगे फाइनेंस गुरुकुल के इन तीन पड़ाव द्वारा। जी हाँ दोस्तों, बाकी के दो पड़ावों की तरह इस तीसरे पड़ाव में भी चार भाग है। इन चारों भागों के लिए मेरे तीसरे पड़ाव के वीडियो को देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आप इस वीडियो सीरीज में बने रहे मेरे साथ, और यहां तक देखने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं और आशा करता हूं कि यह जानकारी आपको फाइनेंस गुरुकुल नामक मुहिम में जुड़ने के लिए प्रेरित करेगी, मोटिवेट करेगी, और हम साथ मिलकर अपनी कंपनी में, अपनी टीम में और अपने आप में एक फाइनेंस ट्रांसफॉर्मेशन इसी साल जरूर ले आएंगे। तो दोस्तों याद रखिए, हम है स्मार्ट कॉन्टेट्रा और मेरा नाम है सीए विशाल ठक्कर।